वी द पीपल, हम भारत के लोग का जो एक काम है वो है जुड़ना है और जोड़ना है। मगर आपको कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनका सिर्फ काम होता है तोड़ना है और टूटना है। तो क्या करना है? आप अपना 99% एनर्जी, 99% एनर्जी लगाइए जुड़ने में और जोड़ने में, और 1% एनर्जी इस बात का ध्यान रखने में लगाइए कि ये जो टूटना है और तोड़ना वाले जो लोग हैं, सभी जगह होते हैं, ऐसे मानव का व्यवहार है, कोई इसमें बुराई की बात नहीं है, हर जगह होते हैं। बुद्ध के समय भी थे, डॉक्टर अम्बेडकर के समय भी थे, साहब काशीराम के समय भी थे, संत कबीरदास के टाइम में भी थे, रविदास जी के टाइम में भी थे, सारे संतों के समय थे, अभी भी हैं। तो मानव का व्यवहार है, बुरा नहीं मानना, मगर आपको अपना तीसरा नेत्र खोल के रखना है। तीसरा नेत्र मतलब जो भगवान बुद्ध ने बताया है, प्रज्ञा का नेत्र, समझ का नेत्र, जानकारी का नेत्र, जो आप अनुभव से पहचान सकें कि कौन सा व्यक्ति इनमें से तोड़ना है और टूटना है का वाक्य चला रहा है, जबकि कहता है जुड़ना है और जोड़ना है। कैसे पहचानेंगे? बड़ी सरल सी पहचान है। जो व्यक्ति जुड़ेगा और जोड़ेगा वो व्यक्ति बड़ा समझदार होता है। उसके अंदर की जो प्रज्ञा है, जो पहिया है, जो विजडम है, वो समझ लेती है, परख लेती है सामने वाले आदमी को कि ये लोग सही कह रहे हैं, ये काम करना है, बस इससे आगे हमें कुछ नहीं करना, अब हमें काम करना है। क्योंकि यहाँ जो बात हमने ली है वो बाबा साहब के संविधान से ली है और भगवान बुद्ध के त्रिपिटक से ली है, जिसमें विनय पिटक आता है, तो कोई संशय वाली बात है नहीं, यहाँ व्यक्तिवाद भी है नहीं। तो वो व्यक्ति जो आपसे प्रसन्न नहीं करता, थोड़ा सा आपने समझाया, तुरंत समझ गया, फिर वो काम पे लग जाता है, वो व्यक्ति 100% जुड़ने का और जुड़ने वाला है। मगर जो व्यक्ति आपसे पूछेगा नेता कौन है, तो इसका मतलब उसकी इच्छा नेता को जानने की है, जुड़ने की नहीं है। उद्देश्य क्या है, इसका मतलब उसको रिजल्ट चाहिए, फल चाहिए, उद्देश्य चाहिए, काम कैसे होगा ये नहीं पूछेगा वो, ये नहीं पूछता वो कि काम क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। भगवान बुद्ध ने बताया है, भगवान बुद्ध ने बताया है कि जैसे प्रसन्न जिसके मन में आते हैं वैसा ही उसका मन होता है। क्या पूछेगा? प्लान क्या है, मतलब काम जो चल रहा है उसके बारे में नहीं पूछेगा कि मुझे क्या काम करना चाहिए, क्या पहुंचेगा, क्या नहीं। पहले उसको प्लान बताइए, प्लान पूछेगा। बुद्धिजीवी होगा ना भी होगा तो पूछेगा, ये तीन प्रश्न आपसे पूछेगा। तीन प्रश्न का जवाब बड़ा सिंपल सा है, आप हमेशा अपने साथ रखिए। हमारा नेता संविधान है, संविधान के अकॉर्डिंग जो उसमें लोकसभा और जो राज्यसभा और जो उसमें अलग अलग तरह के नियम दिए गए हैं वही हम यहाँ लागू करेंगे, जो बाबा साहब का आदेश है उस बिल्कुल उसी तरह से। कोई अगर आपको संशय है या डाउट है तो संविधान पढ़ लीजिए और हमें बता दीजिए कि इसमें ये चीज़ ऐसे लिखी हुई थी, आपने ऐसा नहीं किया, हम उसको ठीक कर लेंगे, अपनी गलती मान लेंगे। वैसे गलती होगी नहीं, क्योंकि वकीलों का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है इसके अंदर जो पूरे देश में जुड़ चुका है, इसलिए लीगल की कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। फिर कैसे पहचानेंगे? जो तोड़ने वाला और टूटने वाला व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो आपकी मीटिंग में, आपकी सभा में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चुपचाप पड़ा होगा, एकदम चुपचाप, बिल्कुल सुन, आंखें मटर की तरह, बटर की तरह इधर उधर घुमाता रहेगा, ये देखेगा, वो देखेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं, और देखता रहेगा क्या गतिविधियाँ। दरअसल वो आपके जुड़ने जुड़ाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो आपके तोड़ने में और आप खुद के टूटने में इंटरेस्ट ले रहा है। वो ये देखेगा कौन आदमी उसके काम का है, किसको वो तोड़ सकता है, किसको वो लेके जाएगा, क्या करेगा उस आदमी का, उस आदमी को वो अपने बाड़े में, अपने दड़बे में, अपने संगठन में लेके जाएगा। तो वो देखता रहता है, जैसे शिकारी होता है, देखता रहता है कि कौन सा शिकार कमज़ोर है, कौन सा नहीं है, कौन सी चिड़िया कमज़ोर है, कौन सा जानवर कमज़ोर है, वैसे वो देखता रहेगा। और जहाँ उसको लगेगा कि ये कमज़ोर है, फिर उसको फ़ोन करेगा, उसके घर जाएगा, उसको व्हाट्सएप मैसेज करेगा, उससे दोस्ती करेगा, और फिर कहेगा देखो मेरा जो मालिक है वो बड़ा अच्छा है, मेरा मालिक ऐसा है, मेरा मालिक ऐसा है, तुम मेरे मालिक के पास आओ, उसका गुलामी करने में बड़ा आनंद आता है, उसका गुलामी करो तो तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा, तुम्हें मज़ा लेना है। मतलब वो एक समूह से, एक संघ से खींच के एक बाड़े में बंद करेगा, एक दड़बे में बंद करेगा, एक कोठरी में बंद करेगा, जिसका नाम उसने कुछ संगठन पर रखा होगा, जिसका कोई परिणाम आज तक नहीं आया और आगे भी कोई परिणाम नहीं आएगा। तो वो आदमी आपको दिखाई देगा, उसको ध्यान से देखो कौन आदमी है। एक आदमी आएगा जो वहाँ आपसे कुछ लेने आएगा, उसको फेमस चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए,
आगे, क्योंकि लोकतंत्र है तो उसको वोट वगैरह चाहिए, अपना नाम चाहिए, किसी पार्टी में टिकट चाहिए, तो वो सबसे ज़्यादा चिल्लाएगा, सबसे ज़्यादा बोलेगा, बार बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएगा, बार बार अपना चेहरा दिखाने की कोशिश करेगा। अगर वर्चुअल मीटिंग है तो उसमें, और अगर फिजिकल मीटिंग है, कहीं मीटिंग हो रही है तो सभा में जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देगा, बीच में ही चिल्लाना शुरू कर देगा, आपकी छोटी छोटी बातों को वो चिल्लाएगा। क्या कहेगा? बाबा साहब का फोटो सीधे हाथ पर रखते हैं, भगवान बुद्ध का उल्टे हाथ पर रखते हैं, ये भगवान बुद्ध के फोटो पे किसने माला लगा दी, कौन बेवकूफ़ है, भगवान बुद्ध के फोटो पे माला नहीं चढ़ती है, नीचे रखी जाती है, धूप बत्ती इतनी क्यों है, अगरबत्ती 6 क्यों है, माचिस अभी क्यों लगाई है, ये पर्दा सफ़ेद रंग का क्यों है, ये नीचे जो पोस्टर लगा है बाबा साहब का, ये नीचे कैसे हो गया, भगवान बुद्ध का पोस्टर ज्योतिबा फुले से नीचे कैसे आ गया, और तुमने जो पोस्टर है इसको साइड में क्यों रखा हुआ है, इस तरह की सारी बातें करेगा। और वहां तो करेगा करेगा, उसके बाद उनके फोटो खींचेगा, व्हाट्सएप पे लगाएगा, आपका खूब प्रचार करेगा, खूब आपको कोशिश करेगा बदनाम करने की, मगर आपका प्रचार होता रहेगा। तो समझ जाइए, ये जो व्यक्ति है ये टूटने में और तोड़ने में यकीन रखता है, इसका जुड़ने से और जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अध्ययन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, इसको झगड़ा पैदा करना है, झगड़ा पैदा करके इसको अपना नाम आगे बढ़ाना है, इसको लोगों की पहचान करानी है। ये कोई सभा इकट्ठी करके पहचान नहीं कर सकता, ये दूसरों की सभा में जाके वहाँ बदतमीजी करके अपना नाम करता है। वर्चुअल मीटिंग होगी तो बार बार अपना चेहरा दिखाएगा, उल जुलूल बातें पूछेगा, समय खराब करेगा, झगड़ा करेगा, बिना मतलब का, बिना बात का, वो तोड़क है, वो तोड़ने वाला है, इसको ध्यान रखें। फिर कैसे पहचान करेंगे आगे? और जो व्यक्ति आते हैं, चुपचाप मीटिंग में आएगा, सबके फ़ोन नंबर लेगा, अपना फ़ोन नंबर छोड़ेगा, अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ेगा, अपना नाम छोड़ेगा, अपना पर्चा छोड़ेगा, मीटिंग को डिस्टर्ब करेगा, इसका मतलब वो तोड़क है, तोड़ने वाला है, जो अपना नाम दे रहा है, उसका कुछ उद्देश्य है, वो आपके जुड़ने जुड़ाने में इंटरेस्ट नहीं रखता, वो आपके तोड़ने तोड़ाने में इंटरेस्ट रखता है और अपने कार्य में इंटरेस्ट रखता है, उससे थोड़ा सा सावधान रहें, वो कैसा व्यक्ति है कैसा नहीं है। एक व्यक्ति आएगा जो बड़ा अपने आप को बुद्धिमान कहेगा, वो आपसे बड़ा नीतिगत, बड़ा पॉलिटिकल, बड़ा डुअल माइंड, बड़ा पॉलीगेमी वाला जो वो होता है, क्वेश्चन होता है, आंसर होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन फेंकेगा आपकी तरफ, जो साधारण लोग हैं वो उनका जवाब नहीं दे पाते, मगर जो इन क्वेश्चनों से निकले हुए हैं वो उनका जवाब दे देते हैं। जब उसको जवाब मिल जाएंगे तो उसके पास कुछ है नहीं, अब तो लोगों को पता चल गया कि इसको जवाब भी दे दिया है, फिर वो उन्हीं बातों पर अड़ा रहेगा, फिर कोई ऐसी बात कहेगा जिसका आंसर भविष्य में होगा, यानी ना वर्तमान में है ना पहले है, भविष्य में है, अब भविष्य वाला आंसर कहाँ से लाओगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो उस पर अड़ जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, तब करेंगे, जब करेंगे, दुनिया भर की बातें करेगा मगर भविष्य की, प्रेजेंट में तो सॉल्यूशन हो सकता है मगर भविष्य का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या हो जाए भविष्य में, तो पेच फंसाएगा, या अपनी बात पे अडामेंट रहेगा, अपनी बात पे ही जमा रहेगा कि ये बात ऐसे होगी तो ऐसे होगी, एक आध साथी और ढूंढ लेगा अपना जैसा जो वहाँ होगा, तो उसे पहचानो कि वो तोड़क है, वो संघ को तोड़ने वाला है, मतलब वो अगर आपको अपने साथ लेके अपने बाड़े में, अपने संगठन में जाएगा भी तो भी तोड़क तो है वो, क्योंकि जब किसी के घर को तोड़ता है तो अपने घर को बनाता है, तो तोड़े हुए घर को बना के अपना घर बनाना कभी अच्छा नहीं होता, उसके पास इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज नहीं है कि वो बना सके, वो निगेटिविटी पे, यानी जो नकारात्मक प्रभाव है, नकारात्मक बात है, उसके आधार पर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके आधार पर लोगों को लेके जा रहा है और सोचता है कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अरे भाई, जिसको गलत तरीके से आपने तोड़ा है वो किसी और के साथ भी टूट जाएगा, वो किसी और के साथ भी टूट जाएगा, कोई और उसे बहकाने वाला आएगा, तो वो आदमी काम का है नहीं और वो तोड़ने वाला भी काम का है नहीं। इस तरह के आदमी को आप पहचान सकते हैं कि वो कैसा है कैसा नहीं है। आपकी सारी सारी इन्फॉर्मेशन लेके दूसरे लोगों को देगा, उनको फ़ोन करेगा, आपकी जानकारी में नहीं होगा मगर वो आपसे धीरे धीरे पूछेगा, फिर आप पर वो जब तर्कों में हार जाएगा तो आप पर पर्सनल हमला करेगा, वो ऐसे ऐसे हमला करेगा कि जो नीति आपने निर्धारित की है वो कहेगा ये नीति ऐसी हो नहीं सकती, इनकी उल्टी नीति होगी, ऐसी होगी वैसी होगी, कोई सबूत नहीं होगा उसके पास में, ना ही कोई ऐसी चीज़ होगी उसके पास में, मगर बातों से लोगों को करने की कोशिश करेगा। एक तरह से इसको कहते हैं रायता फैलाने वाला, अगर रायता पीने का काम नहीं आया तो कम से कम फैला दिया, बेकार तो कर ही दिया, इस नीति पर चलेगा वो, तो उससे सावधान है, हाथ जोड़ के कहें भाई तुम जाओ जहाँ से आए हो, यहाँ काम करने दो, बड़ी मुसीबत है, बड़ा इमरजेंसी है, बड़ा आपातकालीन है, तुम अगर इतने काबिल होते तो हमें यहाँ इकट्ठा होने की जरूरत क्यों पड़ती, तुम अगर इस लायक होते कि कुछ कर सकते होते तो पहले ही कर लेते, अभी तुम यहाँ आके अपना माथा मार रहे हो उससे क्या फ़ायदा है,
अगर तुम में कोई नीति रणनीति बनाने की ताकत होती, कोई सोच होती, तो तुम्हें इतना समय मिला था, तुम इतने ही काबिल थे, तो कोई रणनीति पूरे इंडिया के हिसाब से बनाते, अब तक सारे इंडिया को इकट्ठा कर लेते, तो ये साधारण लोगों को क्यों आना पड़ता। मगर फिर भी हम उनसे ये कहते हैं कि तुम्हें अगर अभी भी तुम्हारे पास में समझ है और अभी तुम इकट्ठे हो सकते हो तो तुम इकट्ठे हो जाओ, तुमको इकट्ठा होना चाहिए। हम तो अपनी 15% एनर्जी इस बात में लगाते हैं कि भाई सभी इकट्ठे हो जाए, काम आसान हो जाएगा। मगर जिनको इकट्ठा होने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं 6 महीने बाद बात करेंगे, 2 महीने बात करेंगे, 3 महीने बात करेंगे, अभी तो जरा इसको देखते हैं, चलने दो। हम समझते हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो तोड़क हैं, वो जुड़ना नहीं जानते। जैसे चुंबक होती है, अगर जुड़ने वाली चुंबक होती है तो जैसे ही वो पास आती है तो खिंच जाती हैं एक साथ, और आप अगर खींचना भी चाहोगे तो वो जुड़ जाएंगी, क्योंकि उनको जुड़ना है। और अगर उन्हीं चुंबकों को आप उल्टा घुमा दो तो वो, आप उन्हें जोड़ना भी चाहोगे तो वो पीछे भागती हैं, जुड़ती नहीं हैं, तो उनको टूटना है, उनको तोड़ना है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को जुड़ना होता है, उसे जरा सी बस खबर मिलती है, वो तुपक चिपक जाता है फेविकोल की तरह। और जिसको नहीं जुड़ना होता है, आप कितना ही खींच खींच के ले आओ, वो भागेगा ही भागेगा। तो ऐसे आदमी पे एनर्जी मत लगाओ, ऐसे आदमी को पहचानो, उनसे दूर रहो। उनसे नमस्कार करने का भी काम अगर हो सके तो व्हाट्सएप पे कर लो, वैसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका समय खराब करेगा। अपने ही समाज के हैं इसलिए उनसे घृणा नहीं, उनसे कोई क्रोध नहीं, उनसे कोई नफरत नहीं, मगर उनसे दूरी बना के रखो, क्योंकि वो सभी समाज के काम को खराब करने वाले हैं। वो अनजान हैं, उनका जो तीसरा नेत्र है, प्रज्ञा का नेत्र है, जो बुद्ध ने बताया है, वो नहीं खुला हुआ है। वो अभी मूढ़ हैं, मोग हैं, अभी उनको जानकारी नहीं है। उनको लगता है कि एक संगठन में किसी को तोड़ के दूसरी तरफ ले ले जाना बड़ा अच्छा काम है, और जब उनके संगठन टूटते हैं तो कहते हैं बड़ा अच्छा काम, बड़ा खराब काम है। यानी जब वो किसी के संगठन को तोड़ के लेके जाते हैं किसी आदमी को, तो अच्छा काम हो गया, और जब उनके संगठन से आदमी टूटता है तो कहते हैं बड़ा खराब हो गया। तो भाई तुम तो दो गुले आदमी हो, तुम एक बात पे तो कायम नहीं। अगर किसी के संगठन को तोड़ना या किसी आदमी को बहकाना अच्छा काम है, तो तुम्हारे संगठन में भी अगर टूट होती है और कोई बहका के जाता है तो वो भी अच्छा काम है, फिर उसमें बुरा क्या मानना। तो तुम दोगली नीति पे मत चलो। इसलिए हो सके तो कुछ दिनों के लिए शांत रहो। जब हम बच जाएं, हमारी जान बच जाए, और जब ये सुनिश्चित हो जाए कि अब हमें कोई खतरा नहीं है, फिर तोड़ लेना भाई। अभी ये काम बंद कर दो, अभी इमरजेंसी है, बड़ी दिक्कत है, जुड़ सकते हो तो जुड़ जाओ, मगर तोड़ने का काम मत करो। धन्यवाद। Thank you.